औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 10 सितंबर 2020 को ये प्रोसीडिंग का फैसला है। चोट से मौत ना हो तो कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुलज़म की अपील पर सज़ा ख़त्म करके बरियत का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस नुक्ता से इत्तफाक किया है कि अगर कत्ल के मुकदमा में मकतूल की मौत इस ज़ख़म से ना हो तो मुलज़म को कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत के रूबरू नुक्ता साबिक अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुलज़म की अपील में उठाया, जिससे इत्तफाक करते हुए हाईकोर्ट के बेंच ने मुलज़म की उम्र कैद की सज़ा ख़त्म करते हुए इसे बरी करने का हुक्म दिया। वकील ने दलायल दिए कि FIR में इल्ज़ाम था कि मुलज़म के सर पर वार करने से ज़ख्मी की मौत वाकया हुई, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने कत्ल के मुलज़म को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर लगे वार को मौत की वजह करार नहीं दिया गया। चश्मदीद गवाहान और डॉक्टर के बयान में तज़ाद है। मुलज़म बेगुनाह है और शक के फ़ायदे का हकदार है। इससे जनाब चोट से मौत ना हो तो कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दे दिया है और उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुलज़म की अपील पर सज़ा ख़त्म करके बरियत का हुक्म दे दिया है और इस नुक्ते से इत्तफाक किया है कि अगर कत्ल के मुकदमे में मकतूल की मौत इस ज़ख़म से ना हो तो मुलज़म को कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।